गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें देखिए क्या आता है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट होगी। पी एन इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन, एन नेचुरल नंबर है इसमें, सच दैट क्या होना चाहिए, अगर आप प्रूफ कर देते हो पी एन पी वन इज टू फोर एन इज इक्वल टू वन। कहने का मीनिंग, जब उस स्टेटमेंट के अंदर जो आपको दिया हुआ है उसके अंदर एन की वैल्यू अगर वन फिल करते हो तो वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रू, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद आप पुट कर देते हो पी एन की प्लेस पे के प्लस वन, वो भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। और वो ट्रू कब होना चाहिए, जब पी की पी के इज ट्रू, यानी कि जब एन की वैल्यू एन इज इक्वल टू हम के फिल करते हैं, एन इज इक्वल टू के फिल करते हैं, तो वो ट्रू होना चाहिए। जब ये ट्रू तभी होएगा जब ये ट्रू होएगा। क्लियर। इन्होंने इसे लिखा है पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, जब पी के ट्रू होएगा तब पी के प्लस वन ट्रू होएगा। कहने का मीनिंग क्या हो गया, ट्रूथ ऑफ पी के, यानी कि पी के वो अगर ट्रू है तो पी के प्लस वन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम बोल सकते हैं पी एन जो स्टेटमेंट वो है वो क्या है, ट्रू है ऑल नेचुरल नंबर के लिए, सभी के सभी नेचुरल नंबर के लिए वो क्या है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्लियर। तो इसको करना कैसे है, देखिए जब आपको स्टेटमेंट गिवन है तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट आप एन इज इक्वल टू वन फिल करोगे, क्या फिल करोगे, वन इज इक्वल टू वन, तो ये आपने दिखाना है ट्रू, क्या दिखाना है, ट्रू। सेकंड स्टेप में आपने कुछ नहीं करना, स्टेप सेकंड में एन इज इक्वल टू आप क्या फिल करोगे, के, ये भी आपने क्या दिखाना है, ट्रू। और थर्ड स्टेप में आपने क्या फिल करना है, एन इज इक्वल टू के प्लस वन, एन की वैल्यू क्या फिल करना है, के प्लस वन, और ये भी आपने क्या दिखाना है, ट्रू प्रूफ करना है। अगर ये आप ट्रू प्रूफ कर देते हो तो एन इज इक्वल टू के प्लस वन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, एन इज इक्वल टू के प्लस वन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके आपने इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव ऑल नेचुरल नंबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर के दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए स्टेटमेंट को क्या करना है, आपने प्रूफ करना है। तो पी एन आपको स्टेटमेंट दिए वन स्केयर प्लस टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर सो ऑन, एन स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, ये आपने प्रूफ करना है। ये वन के लिए भी ट्रू है, टू के लिए भी ट्रू है, थ्री के लिए भी ट्रू है, एवरी एन के लिए क्या है, ट्रू है। यानी कि आपने प्रूफ कर देना एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी क्या है, ट्रू है। तो अगर आप एन इज इक्वल टू के प्लस वन के फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रूफ करना है पी वन इज ट्रू, तो पी एन एन की जगह पर प्लेस पे क्या फिल कर लो, वन फिल कर लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में वन फिल करो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी वन का स्केयर वन, राइट हैंड साइड में वन फिल करो वन, वन और वन टू, टू बन जाओ वन और थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा वन, ये भी वन ये भी वन। कहने का मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो मीनिंग क्या हो गया, पी वन इज ट्रू फॉर ऑल, सॉरी फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए पी वन क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेट्स सपोज कर लीजिए आप पी के प्लस वन, पी के इज ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर के, तो पी के है वो ट्रू मान के लेके चलिए आप, तो आप पी ऑफ के क्या बन जाएगा, वन स्केयर टू स्केयर थ्री स्केयर एन की जगह पे क्या हो जाएगा, के स्केयर, तो के एन के प्लस वन टू के प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, जो एन के लिए है वो जहाँ, क्लियर। तो के यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर है। अब हमने प्रूफ करना है, हमें देखो दो स्टेप चलना है, फर्स्ट पी वन प्रूफ करना है ट्रू, वो हमने कर दिया, अब हमने प्रूफ करना है पी के प्लस वन इज ट्रू, तो हम पी के प्लस वन निकालेंगे वन स्केयर टू स्केयर थ्री स्केयर की स्केयर के स्केयर प्लस के की जगह पे क्या रख लोगे, के प्लस वन का स्केयर, यहाँ भी पुट करो के प्लस वन, यहाँ के प्लस वन है तो के प्लस टू हो जाएगा, यहाँ टू के प्लस वन है, जब यहाँ के की वैल्यू के प्लस वन रखोगे टू के प्लस टू वन पर एड हो जाएगा, टू के प्लस थ्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो देखिए वन स्केयर टू स्केयर, अब देखिए हमारे पास ये आ गया पी के प्लस वन, ये आ गया, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं ताकि हम इसको प्रूफ कर दे राइट हैंड साइड के लिए, तो आपने लेके चला वन स्केयर टू स्केयर थ्री स्केयर इंटू ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक लेके चला के प्लस वन, क्लियर। अब देखिए वन स्केयर से लेकर के स्केयर तक वैल्यू क्या है, वन स्केयर से लेकर के स्केयर तक की जो पी के की वैल्यू है वो ये है, तो इसकी मैंने वैल्यू फिल कर दी के के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, और प्लस में ऐसे रख लिया के प्लस वन का होल स्केयर। सो नाउ देखिए आपके पास आ गया के के प्लस वन टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस के प्लस वन का होल स्केयर, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, के प्लस वन दोनों टर्म्स में के कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, के इंटू टू के प्लस वन,
के की मल्टीप्लाई करोगे 2k+k+1 से क्या आ जाएगा, 2k² + k डिवाइडेड बाय 6, और इसकी पावर 2 थी, एक बाहर चलेगी आउटसाइड में कॉमन ले लेगी, तो क्या बच गया k+1। अब देखिए इसके डिवाइड में 1 लगाया तो ये बन जाएगा 2k² + k 6k+6। 2k² 6 और 1 कितना हो गया 7k+6 डिवाइडेड बाय 6। अब 2k² + 7k+6 के क्या बना हुआ फैक्टर बनाओ, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2k+3 k+2 डिवाइडेड बाय 6, और यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए। तो कहने का मीनिंग pk+1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया ट्रू, तो pk+1 ट्रू हो गया उन सभी n के लिए जो n = k+1 के लिए क्या हो गया ट्रू हो गया, यानी कि n की अब वट एवर जो भी नेचुरल नंबर आप फिल करना चाहते हो, जो हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है ट्रू है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये हर एक n के लिए क्या है ट्रू है, और n क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, pn आपको कुछ स्टेटमेंट दी है 1 3 5, 1+3+5+7, सो 1+2n-1 तक इक्वल टू n स्क्वायर। तो अपने मैथमेटिकल इंडक्शन से इनको क्या करना है प्रूफ करना है ट्रू है। तो n इक्वल टू फर्स्ट स्टेप क्या होता है, n इक्वल टू 1, तो p1 लेफ्ट हैंड साइड में p1 फिल करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी 1, और राइट हैंड साइड में 1 फिल करोगे तो 1 का स्क्वायर 1। तो कहने का मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 1 1 आ गई, तो कहने का मीनिंग p+1 क्या हो गया आपका ट्रू हो गया, क्लियर फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, क्लियर। तो उसके बाद देखिए n के लिए अगर कोई ट्रू है, n नेचुरल नंबर है, अगर ये n के लिए ट्रू है तो k के लिए भी क्या होएगा ट्रू। लेट्स सपोज p k क्या है ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर k कोई नेचुरल नंबर है, तो n की प्लेस पे कुछ नहीं करना आपने, एज इट इज k लिख देना है, क्लियर। तो ये आपके पास ये बन जाएगा 1 3 5, सभी में प्लस का साइन है, +2k-1 = k², क्लियर। उसके बाद हमने प्रूफ करना है k+1 प्रूफ करना है, तो आप p k की प्लेस पे क्या फिल करोगे k+1, 1 3 5 7 प्लस का साइन है ही है, 2k-1 प्लस, यहाँ 2k प्लस, यहाँ 2k, यहाँ k की प्लेस पे k+1 लिखोगे, 2k+1-1 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2k+1, 2k+2-1, तो ये आ जाएगा 2k+1 = k+1 का होल स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसमें से, मैंने क्योंकि k+1 को ट्रू प्रूफ करना है हम, तो हम ये साइड लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 1 3 5, 2k+1 तक लेके चलोगे, तो या 1 से लेकर 2k-1 तक के एडिशन की वैल्यू हमें पता है कितनी है केस के, कितनी है केस के, प्लस ये आ जाएगा 2k+1, क्लियर। और ये क्या होता है, ये k+1 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, k+1 का क्या होता है होल स्क्वायर। तो कहने का मीनिंग यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था, इक्वल टू कहां पहुंच गए हम राइट हैंड साइड पर पहुंच गए, तो कहने का मीनिंग पी पी के प्लस वन क्या हो गया ट्रू हो गया, फॉर ऑल एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए क्या हो गया ट्रू हो गया। तो इसीलिए क्या हो गया बाय बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। तो कहने का मीनिंग यहां से देखिए ऑड नंबर है, तो कहने का मीनिंग यहां से क्या कंक्लूजन निकल गया, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, रेगुलर नंबर का जो ऑडी कॉन्जिक्यूटिव जो ऑड नंबर का जो सम होगा वो एन स्केयर होता है। देखिए जैसे 1 3 2 है तो कितने मेंबर है 2 2 का 4, 1 3 5 कितने मेंबर हैं 3, तो 3 का स्केयर 9, 1 3 5+7 है तो कितना हो गया 16, 16 कितना कितने मेंबर है 4 4 का स्केयर, तो क्लियर। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, क्लियर। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट ऑड एन ऑड नेचुरल नंबर का जो सम है वो कितना हो जाएगा एन स्केयर, सम ऑफ, क्लियर। ऑड नंबर जो होते हैं 1 3 5, तो फर्स्ट एन ऑड नंबर का जो स्केयर होता है वो कितना होता है एन, क्या
होता है एन स्केयर, एन स्केयर होता है, कितना होता है एन स्केयर हो गया। अगर ऑड नंबर आपको 5 बोला है तो 5 स्केयर 25 हो जाएगा, 6 बोला है तो 36 हो जाएगा।